हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम जो ये आप डिजाइनर ब्लाउज स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी कटिंग शेयर करेंगे, जिसको बनाना बिल्कुल ही इजी है और बिल्कुल सिंपल मेथड में मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप किस तरह से किस टाइप में हमें मेजरमेंट लेते जाना है वो भी मैं आपको इस ब्लाउज में बीच बीच में सिखाती जाऊंगी। तो हम ये ब्लाउज 32 साइज़ का बनाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका मेजरमेंट है वो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते जाइएगा। तो चलिए इसकी हम स्टार्ट कर देते हैं कटिंग। तो ब्लाउज़ का जो हमारा साइज़ है वो 32 साइज़ है। शोल्डर हमारे ब्लाउज़ का 13.5 इंच है और कमर हमारे ब्लाउज़ की 28 इंच है, लेंथ 14 इंच है। तो हम इस ब्लाउज़ की कटिंग यहाँ पर शेयर करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ मेज़र कर लेंगे यहाँ पर। तो लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। लेंथ हमारे ब्लाउज़ की यहाँ पर 14 इंच है। तो 14 इंच के अकॉर्डिंग हम पहले यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो 14 इंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 14 इंच ही यहाँ पर एग्जैक्ट जो मार्किंग है इसकी वो करेंगे, क्योंकि ये हम ब्लाउज जो है बेल्ट ब्लाउज बनाने वाले हैं तो बेल्ट हम अलग से भी कट कर सकते हैं। तो 14 के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। तो 14 इंच पे यहाँ पे मैं मार्किंग कर देती हूँ। लेंथ मार्किंग मैंने कर दी है, अब इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा है 13.5 इंच को हम हाफ करेंगे तो 6.75 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर 6.75 इंच पे हम मार्किंग कर देंगे इस तरह से। अब इसमें से हमें 2 इंच कम कर देना है, क्योंकि हम ये स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं और स्लीवलेस ब्लाउज में हम शोल्डर को 2 इंच माइनस करते हैं। तो जितना हमारा शोल्डर है उसमें से 2 इंच माइनस कर देंगे। तो ये 2 इंच मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया है। अब हमारे जो शोल्डर की जो ये टोटल विड्थ है ये हो जाएगी 4.75 इंच। तो ये 4.75 इंच पे हमने मार्किंग कर दी है। अब हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो आर्म होल हमारा जितना हमारा शोल्डर होता है उससे हम 1 इंच माइनस करके लेते हैं। तो 6.75 इंच ये हमारा शोल्डर है, इसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5.75 इंच। तो इतने पे हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे आर्म होल के लिए गोलाई लगाएंगे। तो 1 इंच पे हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल को गोल करते हैं। तो 1 इंच पे मार्किंग करके आर्म होल की गोलाई हम लगा लेंगे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए अब हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है यहाँ पे। तो सॉरी, चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है हमें। तो चेस्ट हमारी 32 इंच है। 32 को 4 में डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में, तो ये हो जाएगा 8 इंच। 8 इंच पे मार्किंग कर देंगे। अब हाफ इंच यहाँ पे हम लूजिंग के लिए लेते हैं और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए लेते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्जिन और इसका मार्किंग करते जाइएगा। जितनी आपकी टोटल जो आपका बस्ट पॉइंट है उतना आप यहाँ पर फोर्थ में निशान लगाइए, हाफ इंच उसमें मार्जिन के लिए और 1.5 से 2 इंच आप यहाँ पर मार्जिन के लिए ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी चेस्ट के लिए मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर बस्ट पॉइंट पहले हम मार्क करेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पर 9.5 इंच, यानी कि जो हमारा चेस्ट का फोर्थ पार्ट है उसमें हम 1.5 इंच प्लस करते हैं बस्ट पॉइंट निकालने के लिए। तो 8 इंच हमारा चेस्ट का फोर्थ पार्ट है, 1.5 इंच इसमें प्लस करेंगे तो 9.5 इंच हो जाएगा। तो आप 9.5 पर भी मार्क कर सकते हैं और आप 10 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। अगर हैवी साइज़ की बस्ट है तो आप यहाँ पर 10 इंच पे मार्क कर सकते हैं और अगर आपकी नॉर्मल है बिल्कुल तो 9.5 इंच पे भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो 9.5 इंच पे हम एक बार के लिए मार्क कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे हमें बस्ट जो हमारा है साइज़ उसमें को 10 से डिवाइड करेंगे। तो 32 को 10 से डिवाइड करने पर हमारा आ जाएगा 3.2 इंच। तो 3.2 इंच पे हम ये बस्ट पॉइंट की जो है विड्थ रखेंगे। तो 3.2 इंच पे हम ये निशान लगा लेंगे इस तरह से और इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर लेंगे इस तरह से, लेंथ को भी और विड्थ को भी दोनों को मैच करते हुए हमने यहाँ पे क्रॉस का मार्क कर दिया है। तो ये हमारे बस्ट पॉइंट की विड्थ आ गई। अब जितना हमारा बस्ट पॉइंट की विड्थ है उतना ही हमें नीचे मार्क करना है। तो 3.2 इंच है, 3.2 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ये हमारा टोटल बस्ट अंडर बस्ट पॉइंट आ जाता है इस तरह से मार्क करने पर। तो एक बार हम मार्क करके यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो ये 12.5 से 13.5 इंच हमारा बस्ट अंडर बस्ट पॉइंट आ गया है।
12:30 भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना अंडर बस्ट पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट अपने बॉडी से चेक भी कर सकते हैं, चेक करके आप अगर एग्जैक्ट मार्किंग करेंगे तो फिटिंग और भी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो ये 12.5 इंच हमारा टोटल आना चाहिए, 12.5 पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब इस लाइन को हम कर देंगे स्ट्रेट, जो अंडर बस्ट पॉइंट है हमारा उस लाइन को हम कर देंगे स्ट्रेट इस तरह से। और 3.2 इंच हमने यहाँ पर विड्थ रखी है, वो विड्थ हम यहाँ पर भी मार्क कर देंगे और इस लाइन को कर देंगे सीधा इस तरह से। तो ये हम बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसी जो ये वाली पट्टी हमारी बच गई है इसी को हम बेल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब एक बार के लिए हम यहाँ पर जो हमारा प्रिंसेस कट की शेप है वो वाली मार्किंग हम कर लेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कमर की मार्किंग करनी पड़ेगी। तो जितना हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का चेस्ट वाला जो मेजरमेंट है उसको ही हम एक बार नीचे कॉपी करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर आता है इतना, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब हमारी जो चेस्ट है वो है 28 इंच, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 इंच आ जाएगा। 7 इंच पे एक बार मार्क करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक के गैप को मेजर कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप जो है टोटल वो हमारा 10 है। तो ये हमारा 2.5 से 3.25 इंच यहाँ पर आएगा इतना। तो ये जितना गैप हमारा यहाँ पे है उसको हम यहाँ पे हाफ में डिवाइड करते हुए इस तरह से और दोनों साइड में मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो ये मैंने मार्क कर दिया है दोनों साइड में। अब इस मार्किंग को यहाँ पे मिला लेंगे इस वाले पॉइंट से। तो ये पॉइंट हम डॉटेड भी लगा सकते हैं और आप एग्जैक्ट भी लगा सकते हैं, जिस तरह से आपको सूटेबल लगे उस तरह से आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। ये वाली मार्किंग मैंने कर दी है। अब हम यहाँ से जो हमारा ये बस्ट पॉइंट है इसे 1 इंच ऊपर की तरफ हम मार्क करेंगे और इस मार्क को यहाँ तक के मार्क को भी हाफ में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट पे हमें दोनों पॉइंट्स को दोनों पार्ट्स को जॉइंट करना होता है। तो इस पॉइंट को भी हम डॉटेड पॉइंट में मैच कर लेंगे। अब इस पॉइंट से हमें यहाँ के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमारा जितना है ये हमने यहाँ पर लिया था 5 इंच, तो यहाँ पे हम जो फ्रंट पार्ट का है हमारा मार्किंग 4.5 इंच पे करेंगे इस तरह से। ये बैक पार्ट के लिए मैंने मार्किंग कर दी थी, हम फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की गोलाई 4.5 इंच पे लगाएंगे इधर से। तो ये इस तरह से हम इसकी गोलाई दोबारा से लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें 1 इंच अंदर की साइड में मार्क करना है इस तरह से। अब इस मार्क से 1/2 इंच दोनों साइड में मार्क करते हुए और प्रिंसेस कट के हम यहाँ पर शेप क्रिएट करेंगे इस तरह से। तो ये जो दोनों पॉइंट हमारे निकले हैं इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट को मिला लेना है यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ से हमें एग्जैक्ट ये जो है ये वाला और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमें थोड़ा थोड़ा राउंड करते हुए मिलाना है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा यहाँ पर राउंड शेप लगाएंगे और यहाँ तक हम इस तरह से राउंड करते हुए और नीचे तक इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से प्रिंसेस कट वाली शेप बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मार्किंग करने से हमारी जो शेप है वो पहले ही हम क्रिएट कर लेते हैं, तो इससे हमारी फिटिंग जो है ब्लाउज़ की बहुत परफेक्ट हमारी बॉडी पे फिट होती है। तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे प्रिंसेस कट की और इस वाली मार्किंग को भी हम थोड़ा थोड़ा राउंड शेप करते हुए मिला लेंगे इस तरह से। तो ये प्रिंसेस कट की मार्किंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पे कमर के लिए हम मार्क कर लेंगे। तो ये जितना हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप है उसको हम मेज़र कर लेते हैं। ये हमारा 2 इंच बचा है, 7 इंच हमारी कमर का 4th पॉइंट है तो 7 को ही हम यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जितना बचा था वहाँ तक हम मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया है मार्क। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे और इस पॉइंट को हम मिला लेंगे। अब फिटिंग वाले पॉइंट को फिटिंग वाले पॉइंट से हम मिला लेंगे इस तरह से और मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन पॉइंट से मिला के मैच कर देंगे। अब यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर की साइड में मार्क करना है इस तरह से और इस वाले मार्किंग को यहाँ पर मिला देंगे। तो ये प्रिंसेस कट की हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो हम नेक में वी शेप रखने वाले हैं, तो जो नेक की विड्थ है वो हम आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए, आप जितना विड्थ रखना चाहें नेक की। मैं यहाँ पे 2.25 इंच नेक की विड्थ रख रही हूँ, तो 2.25 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे
इस तरह से। और जो लेंथ है हमारे नेक की वो हम नीचे तक डीप रखेंगे, तो यहाँ से ये जो हमारा बेस्ट अंडर बस्ट पॉइंट है यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करते हुए हम, और नीचे हमारा जितना लेंथ है नेक की उतनी ही हम रखेंगे इस तरह से। तो इस वाले मार्क को हम इस तरह से नीचे नेक वाले मार्क से स्ट्रेट में मिला देंगे यहाँ पे। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप इतना डीप नेक नहीं पहन सकते तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इतना नीचे तक पहने। तो इतना मैंने ये मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे हम बेल्ट की शेप यहाँ पे लगाएंगे, तो इसी पार्ट को हम बेल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको राउंड करते हुए मिला देंगे इस तरह से, तो ये हमारी बेल्ट हो जाएगी। अब इस बेल्ट को ही हम पीछे तक भी डबल कर लेंगे, बैक पार्ट में भी इसी बेल्ट को हम डबल करते हुए फैब्रिक पर जब कट करेंगे तो इसी बेल्ट को हम डबल करेंगे। तो इस ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको हम नीचे तक मैच कर देते हैं। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब इस सेम मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग मैं कर लेती हूँ, उससे पहले ये नेक हमारा डीप है तो हम 2 पॉइंट यहाँ पर कम कर देंगे इस नेक को, और इस पॉइंट को यहाँ पर मिलाएंगे। अब इस मार्किंग पे हमें कटिंग करनी है। इस गैप को हम ऊपर करेंगे। अगर आप ऐसी ही बेल्ट यहाँ पर लगाना चाहें तो आप ऐसी भी लगा सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम बेल्ट की शेप यहाँ पर बदलने वाले हैं। तो ये 1.5 इंच की हमारी बेल्ट की जो है लेंथ है इसको हम 1.5 इंच तक यहाँ पर मिलाएंगे इस तरह से, और इसको भी हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से राउंड कर देंगे। इस तरह से, और इस बेल्ट को हम बैक में भी लेके जाएंगे, तो इसको हम जितना हमारा साइज बेल्ट का है उतना हम डबल में कट करेंगे बैक पार्ट के लिए भी। तो ये हमारा जितना बेल्ट का यहाँ पे साइज आएगा इस तरह से इस पॉइंट को मैच करते हुए हमें बेल्ट का साइज यहाँ पर निकाल लेना है इस तरह से। तो इतना हमारा बेल्ट का यहाँ पे साइज हो जाएगा। इसको हम बाद में कम भी कर सकते हैं, तो पहले हम एक बार के लिए इतना कट कर लेते हैं। इसको हम अगर बाद में कट करना होगा तो बाद में भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा जो है फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट के लिए हमें लेंथ कम लेनी है यहाँ पर, तो इसको हम एक बार सीधा कर लेते हैं पेपर को। तो बैक पार्ट की लेंथ हमें यहाँ पे कम लेनी है। एक बार के लिए हम यहाँ पर जितनी हमारी उसकी लेंथ है अंडर ये जो बस्ट पॉइंट है हमारा, बस्ट पॉइंट यहाँ पर 9.5 इंच था, तो हम यहाँ पर 11 इंच लेंथ एक बार के लिए रख लेते हैं, क्योंकि हमें बैक पार्ट में कम ही लेंथ लेनी है। हम डिज़ाइनर ब्लाउज यहाँ पर बना रहे हैं तो ये 11 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ लेंथ के लिए, बैक पार्ट की लेंथ के लिए। तो 11 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है। लेंथ हमें यहाँ पर कम रखनी है, बाकी हमें मेजरमेंट जो हमने बैक फ्रंट पार्ट में लगाए थे उसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट यहाँ पर लगाना है। शोल्डर के लिए हमने 6.75 इंच लिया था और उसमें 2 माइनस कम करके 4.75 इंच पे हमने मार्किंग की थी, तो वही हम यहाँ पर लगाएंगे 4.75 इंच पर मार्किंग करते हुए शोल्डर का निशान लगा लेंगे। 5.75 इंच पर हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे और इस मार्क को सीधा कर लेंगे। इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पर लगाएंगे। चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पर लगाएंगे, तो 8 इंच हमारा चेस्ट का 4th पार्ट है। 1/2 इंच यहाँ पर लूजिंग के लिए ऐड कर देंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे। अब कमर के लिए हम यहाँ पर एक बार अंडर बस्ट पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो 9.5 इंच हमारा अंडर बस्ट पॉइंट था, 9.5 इंच पे हमने ये निशान लगाया है। बैक पार्ट के लिए हम 10 इंच ले लेंगे यहाँ पर और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे 10 इंच वाले को, क्योंकि ये हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ बना रहे हैं तो डिज़ाइनर ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मार्किंग करेंगे।
इस तरह से। अब यहाँ पे हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे, तो कमर हमारी है यहाँ पर 7 इंच, 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और इन पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसका लुक क्रिएटिव रखना है, तो ये जो 10 इंच वाला हमारा पॉइंट है अंडर बस्ट वाला, इस वाले मार्क से हमें 3.5 इंच तक इस तरह से स्ट्रेट रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे कर्व शेप लगाएंगे, तो 1 इंच पर हम यहाँ पर कर्व शेप लगा लेंगे इस तरह से, और इस निशान को आगे तक ले जाएंगे जहाँ तक हमारा मिलेगा इस तरह से। तो ये वाली हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग कर लेनी है, तो 2.25 इंच पे नेक की विड्थ हमने फ्रंट पार्ट के लिए रखी थी, बैक पार्ट में भी हम वही विड्थ रखेंगे। और आप जितना डीप नेक यहाँ पर पहनना चाहें उतना डीप नेक बैक में रख सकते हैं। ये हमारा 10.5 इंच तक डीप हो जाएगा नेक, 1 इंच हम ऊपर तक रखेंगे इसमें, क्योंकि हमें यहाँ पर सिलाई भी करनी होगी। तो 1 इंच ऊपर तक, यहाँ से 1 इंच ऊपर रख कर, और फिर हम नेक की यहाँ पर मार्किंग करेंगे, और इस वाले मार्क को वी शेप में, नेक के लिए वी शेप की मार्किंग कर देंगे इस तरह से। डीप नेक है तो 2 पॉइंट हम शोल्डर की तरफ से, नेक की तरफ से कम करेंगे, और इस लाइन को भी हम तिरछा मिला देंगे। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है बैक पार्ट के लिए भी। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट की भी हमारी मार्किंग हो गई है, और फ्रंट पार्ट की भी हमारी मार्किंग होके हमने पेपर कट कर लिया है। ये बेल्ट हमें बैक पार्ट में भी लेके जानी है, तो इस बेल्ट को हम जब फैब्रिक पर कट करेंगे तो इसको डबल में हम कट करेंगे। जितना हमारा फ्रंट पार्ट के लिए है सेम उतना ही हम बैक पार्ट के लिए ले लेंगे। बस ये जो शेप हमारी कर्व शेप है ये फ्रंट पार्ट में ही हम रखेंगे, बैक पार्ट में हम इसको स्ट्रेट बेल्ट बनाएंगे। तो गाइज हमारे इस वाले डिज़ाइनर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।